नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए देख लेते हैं आज की इस खास खबर को। यह खबर है राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपुर गांव की। यहां पर रहने वाले ब्रजेश अवस्थी ने एक पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के यहां पर शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें इसने कहा है कि 2009 में जब मैं नाबालिग था तभी KCC का प्रकरण मेरे ऊपर बना दिया गया और अब 1,00,000 रुपए का कर्ज भी थमा दिया। ब्रजेश अवस्थी जो कि ललपुर निवासी है, जिसका कहना है कि कॉपीटेक बैंक राजनगर के समिति प्रबंधक विनोद तिवारी ने फर्जी केस बना करके 2009 में, जबकि ब्रजेश अवस्थी उस अवस्था में नाबालिग था, तब 24,000 का KCC बना दिया और अब 1,00,000 रुपए का नोटिस उसे थमा दिया गया है, जिसको लेकर वह दर दर भटक रहा है। उसका ये कहना है कि मुझे अब KCC से लोन लेना है, लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपने पूर्व में जो लोन लिया था उसका भुगतान नहीं किया है, जिसको लेकर उसने शिकायत भी की है और 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई है। कुछ दिनों पूर्व KCC का मामला चल रहा था, लेकिन वह ठंडे बस्ते में रह गया, लेकिन अब यह KCC का मामला दोबारा फिर से उठ रहा है। यह प्रकरण कई सामने आ रहे हैं, जिस पर प्रशासन मौन है। हमारे नाम आज से 2 साल पहले KCC 2010 में हम नाबालिग थे, हमारे नाम KCC हो गया। हमने KCC का आवेदन लगाया था वहाँ बैंक में जाके कि हमें KCC दिया जाए, तो बोले आपका तो KCC पहले से है, जबकि हमने कभी लिया ही नहीं है सर। इसमें किसकी मिली भगत है? इसमें समिति प्रबंधक विनोद तिवारी। आज क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते, हमने एक आवेदन यहाँ भी दिया, विभाग में भी। कितना कितने का KCC फाइनेंस हुआ? 24,000 का KCC है 2009 में, क्योंकि हमने कभी नहीं लिया। हम 2010 में 11 में बालक हो रहे हैं, ना तमाम उसमें दस्तखत है, हाँ ना कोई दस्तखत, ना आज तक हमने कॉपरेटिव बैंक राजनगर में खाता खोलाया। फर्जी KCC हो गया सर, और 2 साल से बराबर आवेदन दे रहे सब लोगों के पास, पर आज तक दमंग समिति प्रबंधक है कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब सोसाइटियों की जाँच हो गई सर, लेकिन हमारी सोसाइटी आज तक बंद से थे सर। हम लोग भी परेशान हैं सर, 100 लोगों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन हम तो सर बहुत परेशान हैं। 24,000 बना के 1,00,000 बता रहे सर। खबर दिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ।